हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे हो आप सब? फ्रेंड्स, मैं अपने चैनल झारखंड की चांदनी में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे लिए बहुत ही खास है और मेरा सारा चीज़ पसंदीदा है। तो मैंने सोचा कि आज आप लोगों के साथ इसी चीज़ को शेयर करूं और आप लोगों को भी दिखलाऊं। तो आप सब प्लीज़ ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोगों ने जो भी चीज़ देखा आप लोगों को कैसी लगी। तो कुछ ही देर में मैं शुरू करती हूँ। तो इससे पहले, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कमेंट कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस डब्बे में मैंने अपने सारे मेकअप का सामान रखा है। इसमें सारी ज्वेलरी है जिसे मैं पहनती हूँ फंक्शन पार्टी में, शादी वगैरह में। तो आज मैं आप लोगों के साथ इसे शेयर करने वाली हूँ, तो आप सब ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है मेरे पास, लेकिन जो भी है तो आज मन किया कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये फेस पाउडर है, ये ग्लिटर फेस पाउडर है, और ये फाउंडेशन है ब्लू हेवन का वाटरप्रूफ। और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखलाती हूं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये आईलाइनर है, और इसमें मस्कारा है। तो मैं आप लोगों को कंपनी भी दिखलाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अभी आप लोगों को सिंपल ऐसे ही नॉर्मल दिखला रही हूँ। ये देखिए, क्लचर है। वैसे तो मैं ज़्यादा मेकअप का सामान नहीं रखी हूँ, लेकिन जितना ज़रूरी है उतना मैं रखती हूँ। और ये देखिए, लिक्विड लिपस्टिक, और इसमें जुड़ा पिन है। ये देखिए, इसे मैंने शादी के समय लिया था, दो पैकेट लिया था, तो एक पैकेट यूज हुआ है और एक पैकेट ऐसे ही नया रखा हुआ है, क्योंकि बाल उतना कुछ खास लंबा नहीं है। और ये देखिए, मैंने जूड़ा में लगाने के लिए रोज़ लिया था, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा था जूड़ा बनाने के बाद। सारे लोग तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत ही अच्छा लग रहा है। और फ्रेंड्स, मैंने तो शादी के समय बहुत सारे चीज़ें ली थी, तो और भी कुछ सामान इधर उधर हो गया है। और ये देखिए, ये भी मेरे पास एक क्लचर है। देखिए, जब मैंने बाल कटवाया था तब मैंने ये लिया था, क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा झड़ गए थे और पतले हो गए थे, तो उसके हिसाब से मैंने लिया था। और ये देखिए, ये इयररिंग है। आप सब ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी। इसे मैंने मेले में लिया था जब मैं अपनी बहन के यहाँ गई हुई थी। और ये देखिए, ये इयररिंग मुझे गिफ्ट में मिला है, जो कि मुझे बहुत ही पसंद है, और इसे मैं बहुत ही दिनों से संभाल कर रखी हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरे पास ब्लैक साड़ी है और गाउन है पिंक और ब्लैक कलर का, तो उसके साथ ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने के बाद। और देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे भी मैंने अपनी ननद की शादी के समय लिया था अपने लहंगा में पहनने के लिए। और मेरे पास इस कलर की साड़ी भी है, मैंने शादी में पहना था मेहंदी पे, तो ये भी बहुत ही खूबसूरत है। फ्रेंड्स, ये देखिए, इसे भी मैंने शादी के समय ही लिया था। और इसके साथ देखिए, ये ताना दिया हुआ है लगाने के लिए, इसे मैंने अभी अलग करके रख दिया है, देख सकते हैं आप। और एक इयररिंग और है मेरे पास, देखिए, मल्टी कलर का है, इसे आप किसी भी ड्रेस में पहन सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और ये मैं हैदराबाद गई थी तब लिया था मैंने चार मीनार से। ये मैंने अपनी बेटी के लिए लिया है, तो अभी ये तो एक बार भी नहीं पहना। और ये मांग टीका है, और ये भी मैंने हैदराबाद में लिया था, ग्रे कलर का इयररिंग। ये भी बहुत ही खूबसूरत है पहनने के बाद, मैचिंग करके पहनने के बाद बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ये देखिए, अंगूठी है। और अब चलिए मैं आपको दिखलाती हूँ गले का हार। देखिए, ये ब्लैक कलर का है, मैंने ब्लैक कलर की साड़ी के लिए लिया था इसे पहनने के लिए, साड़ी पर बहुत ही खूबसूरत लगता है ये, और मैंने शादी में पहना था इसे। और ये देखिए, ये मल्टी कलर का है। और इसके साथ ये देखिए, मैंने जो झुमका पहना है ये भी मल्टी कलर का है, तो मैंने तो झुमका ऐसे ही अभी डाल लिया है। और देखिए, और ये देखिए, ये रेड कलर का साड़ी है मेरे पास, रेड कलर का, उस पर मैंने इसे पहना था दीपावली में। तो ये तीन हार मैंने ख़रीदा था, ये भी हैदराबाद का ही है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स,
आप सब प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी ज्वेलरी कैसी लगी और मेरे सामान कैसे लगे, क्योंकि अभी मेरे पास कुछ खास नहीं है वैसा। और मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था जो मैंने मेकअप किट मंगवाया था, तो आज समझ में नहीं आ रहा था कि वीडियो में क्या डालूँ क्या बनाऊँ, तो मैं सोची कि आज मैं आप लोगों के साथ अपना मेकअप का सामान शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।